दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बैंगलोर के खिलाफ मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला जीते तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। 9 अप्रैल को मुंबई इंडियंस अपना चौथा मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ खेलने वाली है। मुंबई इंडियंस को लगातार 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है और इससे एक बात तो साफ हो गई है कि मुंबई इंडियंस इस वक्त बेहद खराब फॉर्म में चल रही है। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ मुकाबले के लिए मुंबई इंडियंस टीम में कई बड़े बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। और आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने इसको लेकर अपडेट भी जारी कर दिया है और एक नए खिलाड़ी की अचानक टीम में वापसी करवा दी है। दोस्तों, मुंबई इंडियंस ने अब तक 3 IPL मुकाबले खेले हैं और इन तीनों मुकाबलों के आधार पर टीम में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस की तरफ से सभी मैचों में डेनियल सैम्स को खेलने का मौका दिया गया, लेकिन डेनियल सैम्स ने 3 मैचों को खेलकर मात्र 1 विकेट ही हासिल किया और पारी के दौरान आधे से ज्यादा रन डेनियल सैम्स ही लुटा देते हैं। ऐसे में रोहित शर्मा ने साफ किया कि डेनियल सैम्स का बाहर होना तय है और इनकी जगह पर फेबियन एलन को शामिल किया जाएगा, जो कि एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी है। गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी फेबियन एलन अहम योगदान दे सकते हैं। पिछले 3 मुकाबलों से फेबियन एलन को बेंच पर रखा गया, लेकिन बैंगलोर के खिलाफ उन्हें टीम का हिस्सा बनाया जाने वाला है। दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। क्या फेबियन एलन के आने से मुंबई इंडियंस टीम अपना पहला मुकाबला जीत पाएगी या नहीं, कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों,